सबसे पहले आप इस पनीर का टेक्सचर देखिए, कितना बढ़िया एकदम परफेक्ट बनके तैयार हुआ है। तो इस पनीर को हमने बनाया है बिना दूध के। तो अगर घर पर कई बार दूध नहीं है या आप बहुत हेल्दी रेसिपी खाना चाहते हैं तो इस पनीर को ज़रूर ट्राई करिएगा। और ये जो आप दही देख रहे हैं ना, इसे हमने बिना दूध और बिना जामुन के बना करके तैयार किया है। एकदम परफेक्ट बना है और बहुत ही टेस्टी और हेल्दी दही है। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाना है। तो इसके लिए फ्रेंड्स, हमने 1.5 कप मूंगफली के दाने को रात भर के लिए पानी में भिगो करके रख दिया था। ये कच्चे मूंगफली के दाने हैं, आप इनको कम से कम 5 से 7 घंटे के लिए तो रख ही रखें। अगर टाइम है तो सबसे बढ़िया है कि रात भर के लिए रख दीजिए, ये अच्छे से फूल जाती है। मूंगफली को इस तरह से भिगोने से इसकी जो गर्म तासीर है वो ख़त्म हो जाती है, क्योंकि बादाम हुए या मूंगफली हुए ये गर्मियों में गर्माहट देते हैं, तो इससे गर्म तासीर ख़त्म हो जाती है और ये गर्मी में ठंडक देते हैं शरीर को। अब क्या करेंगे, इन मूंगफली को ना हम डालेंगे ग्राइंडिंग जार में और इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे लगभग 1/2 कप के करीब, और अच्छे से इसको पीस लेंगे, यानी कि इसका फाइन पेस्ट बना के तैयार कर लेंगे। और पेस्ट देखिए कितना स्मूथ हुआ है, मतलब इसी तरह से आपको चेक कर लेना है, एकदम स्मूथ होना चाहिए, कण नहीं होने चाहिए, दरदरापन नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब इस मूंगफली के पेस्ट को क्या करेंगे, हम ट्रांसफ़र कर लेंगे एक बड़े से बाउल में, और इसी तरह से बाकी के बचे हुए मूंगफली के दाने को भी थोड़ा सा पानी डाल करके अच्छे से पीस लेंगे और इस पेस्ट को भी हम उसी में मिला लेंगे। तो पूरे ही मूंगफली को हमने अच्छे से पीस लिया है, थोड़ा सा हम पानी डालते हुए जार को क्लीन करके डाल देंगे और इसमें हम डालेंगे 2 गिलास पानी। 1.5 कप मूंगफली के हिसाब से हम यहाँ पर 2 गिलास पानी ऐड करेंगे। तो पनीर के लिए तो थोड़ा बहुत पानी ज़्यादा होगा चल जाएगा, लेकिन दही में ज़्यादा पानी हो जाने से दिक्कत हो जाती है, दही अच्छा नहीं जमता है। इसलिए यहाँ पर ध्यान रखिए, पानी मेजरमेंट फिक्स कर लीजिएगा। 1.5 कप मूंगफली ली है और हमने यहाँ पर 2 गिलास पानी का यूज़ किया है और 1/2 गिलास हमने पीसते समय लगभग कर लिया, तो टोटल मैंने यहाँ पर 2.5 गिलास पानी का इस्तेमाल किया है। अब हमने अच्छे से पानी को मिक्स कर लिया है मूंगफली के पेस्ट में, और एक ली है स्ट्रेनर बड़ी सी और इसके ऊपर एक पतला सा कपड़ा रखा है। डबल इसलिए छान रहे हैं ताकि मूंगफली के मोटे वाले कण बिल्कुल भी ना रहे और इसका प्योर दूध हमें मिल सके। तो यहाँ पर मैंने स्ट्रेनर भी रखी है, कपड़ा भी रखा है, तो 2-2 बार ये छन के नीचे जाएगा तो मूंगफली का बिल्कुल प्योर दूध हमें मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इस मूंगफली के पेस्ट को ना इस तरीके से डालते जाएंगे थोड़ा थोड़ा करके, और एक चम्मच की मदद से या पोटली बना करके जैसे भी बन जाए इसको बढ़िया से हम छान लेंगे। तो ये बहुत ही आसानी से देखिए छन जाता है, और आखिरी में जब इसमें मोटा सा पेस्ट रह जाए तो क्या करना है, पोटली बना करके इसको दबा दबा करके अच्छे से निचोड़ना है। इससे जितना भी मूंगफली में दूध होगा वो सारा का सारा अच्छे से छन करके नीचे बाउल में आ जाएगा। ये देखिए कुछ इस तरह से आपको ज़ोर ज़ोर से दबा करके जितना भी दूध है अच्छे से निकाल लेना है। फ्रेंड्स, अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लग रही हो तो नीचे एक लाइक का बटन दिया गया है उसे दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आज की रेसिपी बहुत ही स्पेशल है, बहुत ही काम की है, साथ में बहुत ही हेल्दी भी है। तो आप देख सकते हो मैंने खूब दबा दबा करके जितना भी इसमें दूध था सारा निकाल लिया है और ये बचा है मूँगफली का पेस्ट। तो देखो, मैं सजेस्ट करूँगी आप इस पेस्ट को फेंकिएगा मत, ये मूँगफली का ही है। आप चाहे तो इसको बढ़िया से भून करके घी में चीनी डाल करके मूँगफली का हलवा बना सकते हैं, मूंगफली की बर्फी बना सकते हैं जैसे मूंगफली कतली भी बोलते हैं, या फिर आप ग्रेवी वगैरह में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे पनीर वगैरह बनाए तो ग्रेवी में भी डाल सकते हैं। तो फेंकेगा तो बिल्कुल नहीं, मैं भी इसका इस्तेमाल ही करूंगी। और यहाँ पर आप देख सकते हो कितना बढ़िया मूंगफली का दूध हमें मिल गया है, और बिल्कुल ये ओरिजिनल दूध की तरह ही लग रहा है। ये दूध बहुत ही पौष्टिक होता है, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी, विटामिन मिनरल से भरपूर। तो इसका जो दही और पनीर बनेगा ना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगा। तो कई बार अगर दूध कम है या नहीं है घर पर तो इस तरीके से आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा। तो दूध हमारा रेडी हो चुका है, कुछ दूध हम अलग बाउल में निकाल लेते हैं क्योंकि इसी दूध से हम 2 तरह की रेसिपी बनाएंगे, एक तो हम बनाएंगे पनीर और दूसरी हम बनाएंगे दही। तो ये मैं जो दूध निकाल रही हूँ ये निकाल रही हूँ दही के लिए, ठीक है, और बाकी जो दूध बचेगा उससे हम बनाएंगे पनीर। तो इस दूध से हम बनाएंगे पनीर। अब मूंगफली वाले इस दूध को हम ट्रांसफ़र करेंगे कढ़ाई में या किसी भी भगोना या पतीले में। अब हमें गैस की फ्लेम कर लेनी है हाई, और हाई फ्लेम पर इस तरह से एक हमें करछली की मदद से दूध को चलाते जाना है और इसमें बढ़िया एक उबाल आने तक अच्छे से पका लेना है। थोड़ी ही देर में देखेंगे जैसे नॉर्मल दूध होता है बिल्कुल वैसे ही ये
गर्म होगा और इसमें भी बढ़िया वैसे ही उबाल आने लगेगी। मतलब यहाँ पर आप पहचान ही नहीं कर पाएंगे कि ये नॉर्मल हमने दूध लिया है गाय भैंस वाला या हमने मूंगफली का बना करके दूध का इस्तेमाल किया है। ये देखिए बिल्कुल लग रहा है ना ओरिजिनल दूध की तरह ही, और टेस्ट भी आप पहचान नहीं कर पाएंगे। और आप देख सकते हो दूध में बढ़िया सी यहाँ पर उबाल आ चुकी है, और जैसी दूध में उबाल आ जाएगी तो यहाँ पर हमने लिया है 1 चम्मच विनेगर यानी सफ़ेद सिरका, और 2 चम्मच इसमें हम डालेंगे पानी। अगर ये नहीं है विनेगर आपके पास तो यहाँ पर आप आधा नींबू के रस का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अच्छे से मिला देंगे, और यहाँ पर अब हम क्या करेंगे थोड़ा थोड़ा सा इस मिश्रण को डालेंगे और चम्मच की मदद से इसको मिक्स करते जाएंगे। गैस की फ्लेम कर लेंगे बिल्कुल हाई, और जैसे ही विनेगर का पानी जाएगा दूध में तुरंत ही दूध यहाँ पर फट जाएगा। लुक एट दिस फ्रेंड्स, आप देख सकते हो कितने बढ़िया तरीके से मूंगफली का दूध फट गया है। जैसे नॉर्मल दूध फटता है ना बिल्कुल वैसे ही ये भी फट जाता है, एकदम थक्केदार हो गया है, इसका छेना बिल्कुल अलग हो गया है। ये देखिए तो है ना बिल्कुल मैजिक, बिना दूध के ही ये छेना बन करके तैयार हो गया है। तो चलिए अब हम इस पनीर को अलग कर लेते हैं। तो इसके लिए वापस से हम एक पतला सा कपड़ा लेंगे और इसमें इस पनीर को डालेंगे। अब इसमें होगा हल्का फुल्का विनेगर का टेस्ट, यानी कि हल्का सा खट्टापन टाइप का होगा। अगर आप नींबू डाल रहे हैं तो नींबू का टेस्ट होगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, ऊपर से हम ठंडा पानी डाल देंगे ताकि जो विनेगर का टेस्ट है वो निकल जाए और पनीर भी हमारा ठंडा हो जाए, हम इसको हैंडल कर सके। अब बस हम कपड़े की बनाएंगे पोटली और इसको दबा दबा करके बढ़िया से इसका पानी निकाल लेंगे। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमने इसको बढ़िया से दबा दबा करके सारा पानी निकाल लिया है। इस पानी को हम अलग कर देते हैं। अब ये जो पोटली है ना इसको हम किसी भी प्लेट पर रखेंगे और इस तरह से थोड़ा सा दबा देते हैं ताकि एकदम प्रॉपर शेप आ जाए, कहीं ऊंचा कहीं नीचा ना रहे। इस तरीके से थोड़ा सा मैंने इसको चपटा कर दिया है, और इसके ऊपर अब हम कोई भी हैवी बर्तन रख देंगे। जो भी आपके पास हैवी बर्तन हो या कोई पत्थर हो उसको आप रख दीजिए। तो मेरे पास है अदरक कूटने वाला एक बड़ा सा कुटना यानी कि क्रशर, तो मैं इस क्रशर को इसके ऊपर रख देती हूँ और लगभग हम इसको 15 मिनट के लिए ऐसे ही रख करके छोड़ देंगे। इसमें थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा पानी जो निकलना होगा ना वो सारा निकल जाएगा और पनीर हमारी प्रॉपर शेप में आ जाएगी। ये देखिए कुछ इस तरह से आपको रखना है। तो चलिए इसको हम रेस्ट के लिए छोड़ देते हैं, किनारे से काफ़ी पानी भी निकलने लगा। अब हम बनाएंगे दही, वो भी बिना जामन के। तो इसके लिए मैंने ले लिया है कच्ची कैरी यानी कि कच्चा आम। गर्मियों में कच्चे आम खूब आते हैं तो हम इसी से आज दही बनाने वाले हैं। बहुत ही बढ़िया दही बनके तैयार होता है फ्रेंड्स। तो बस ज़्यादा आम की ज़रूरत नहीं है, हमने यहाँ पर आधे से भी कम ही आम ले लिया है। और इसको क्या करेंगे, हम छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे छिलके समेत ही, छीलने की हमें यहाँ पर बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप ये दही गर्मियों में नहीं सर्दियों में जमा रहे हैं तो कच्चा आम तो तब आता नहीं है, तब आप यहाँ पर नींबू का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब क्या करेंगे, ये जो दूध हमने बचाया था ना अलग से बाउल में, उस दूध को हम एक बर्तन में ट्रांसफ़र करेंगे। जिस बर्तन में भी आपको दही को बनाना हो उसी में आप ट्रांसफ़र कर लीजिए। और ये जो हमने आम के छोटे छोटे से टुकड़े कट किए हैं ना, थोड़े थोड़े दूरी पर इस तरीके से हम इस आम को डाल देंगे। तो आपको उल्टा करके डालना है, जिस तरफ छिलका है वो ऊपर रहना चाहिए और जो अंदर का पल्प है, क्योंकि असली खटाई होती है पल्प में, तो पल्प वाला हिस्सा नीचे रहना चाहिए। ठीक है, तो आधे ही आम को हमने काटा था इस तरीके से और इस तरह से अरेंज कर दिया है। अब इस दही को कम से कम हम 4 से 5 घंटे रेस्ट के लिए छोड़ देंगे किसी भी बर्तन से ढक करके। अगर जामन है तो आप जामन भी मिला के इस दही को बना सकती हैं, अगर जामन नहीं है तो स्टिक से भी बना सकती हैं। तो ढकने के बाद मैं इसको अंदर किचन में रख देती हूँ, क्योंकि मेरी किचन में बहुत ही गर्मी रहती है तो ये दही जल्दी से जल्दी जम जाए। तो यहाँ पर अब फ्रेंड्स 15 मिनट के लगभग हो चुके हैं। चलिए हम अपना पनीर चेक कर लेते हैं, और आप देख सकते हो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा जो पानी था वो निकलना था निकल गया है। अब हम इस पनीर को अलग करेंगे, और लुक एट दिस फ्रेंड्स, मूंगफली का पनीर बनकर के बिल्कुल तैयार हो चुका है। देखिए कितने बढ़िया टेक्सचर का ये पनीर बन के तैयार हुआ है। अब मैं आपको इसको कट करके भी दिखाती हूँ। जैसे नॉर्मली दूध का पनीर होता है ना, ये बिल्कुल वैसे ही बन के तैयार होता है। आप मतलब पहचान ही नहीं कर पाएंगे, ना तो टेस्ट में कर पाएंगे और ना ही देखने में। तो अब मैं आपको पूरा पनीर कट करके दिखाती हूँ। देखिए बिल्कुल बिखरता नहीं है, जैसे दूध नॉर्मल दूध का पनीर डेयरी से आप लेके आते हो ना, बिल्कुल वैसे ही बन के तैयार होता है। इतना परफेक्ट बनता है कि आपको विश्वास नहीं होगा। तो ये पौष्टिक हेल्दी पनीर सच मानिए बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। इसकी आप कोई भी सब्जी बनाइए, भुर्जी बनाइए, पनीर पराठा बनाइए, कुछ भी रेसिपी बना लीजिए, बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। तो है ना बिल्कुल मैजिक, मूंगफली से हमने पनीर बना के तैयार किया है। ये देखिए एकदम नरम नरम और एकदम परफेक्ट बन के तैयार हुआ है।
तो चलिए फ्रेंड्स, पनीर तो हमारा बनके तैयार हो चुका है। अब हम 5-6 घंटे बाद देखते हैं हमारा दही कैसा बना है। और वाओ, 5-6 घंटे बाद रिजल्ट देखिए, ऑसम, कितना बढ़िया, कितना परफेक्ट दही बनके तैयार हुआ है। देखिए, हमने आम से दही जमा के तैयार किया है और ये देखिए कितना गाढ़ा और बढ़िया परफेक्ट बना है। मैं इसको आपको उल्टा करके भी दिखाती हूँ, बिल्कुल भी दही गिरेगा नहीं क्योंकि ये बहुत अच्छे से सेट हो चुका है। और ये इंडिकेशन है, मैं इसको उल्टा कर रही हूँ, बिल्कुल भी दही नीचे गिर नहीं रहा है। इसका मतलब ये बिल्कुल परफेक्ट जमा है, एकदम थक्केदार गाढ़ा जम के तैयार हुआ है। तो बस अब हम इससे ये जो आम हमने डाले हुए थे इसको हम अलग कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, फिर से याद करा दूँ, अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो नीचे एक लाइक का बटन दिया गया है, उसे ज़रूर दबा दीजिएगा। और पसंद ना आई हो तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो लीजिए, हमने आम को निकाल लिया है। अब मैं आपको दिखाती हूँ इसका टेक्सचर, कि दही कितना परफेक्ट जम के तैयार हुआ है। ये देखिए कितना बढ़िया, एकदम थक्केदार दही बना है। तो ये मूंगफली का दही बनके तैयार हो चुका है। तो हमने उसी मूंगफली से, 1.5 कप मूंगफली से कितना सारा पनीर भी बना लिया और दही भी जमा के तैयार कर लिया। तो कैसी लगी आपको आज की ये टेस्टी और हेल्दी सी रेसिपी? आई होप आपको पसंद आया होगा वीडियो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।